Hey guys, this is Soham Kumar. Welcome to our YouTube channel. It is Detailed Mathematics. So this is the fourth lecture of the factorizations. Today we will learn about the algebraical factorizations. Not exactly algebraical factorization, but today we will learn about some algebraical type factorization. Okay, let it name it algebraical factorization. Okay, today finally we are learning about the factorizations. In factorization, we have what we have seen. We have seen first by taking common method, by grouping, and finally in last lecture we have learned about the middle term factor. Okay, हम लोग फैक्टराइजेशन में क्या क्या पढ़ चुके हैं? पहले पढ़ चुके हैं ग्रुपिंग, दूसरा क्या पढ़ चुके हैं? पहले पढ़ चुके हैं कॉमन लेना, दूसरा क्या पढ़ चुके हैं? दूसरा ग्रुपिंग, और तीसरा मिडिल टर्म फैक्टर. ठीक है, टॉपिक क्या है? फैक्टराइजेशन. क्या? फैक्टराइजेशन. ये लेक्चर 4 है, पता ही है. ठीक है, चौथा लेक्चर है. इसमें फैक्टराइजेशन में पहला हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? बाय टेकिंग कॉमन. ठीक है, दूसरा मेथड हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? बाय ग्रुपिंग. तीसरा मेथड हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? मिडिल टर्म फैक्टर या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग. मिडिल टर्म स्प्लिटिंग समझ आ रहा? हम लोग तीन मेथड पढ़ चुके हैं. ठीक है, टेकिंग कॉमन, ग्रुपिंग एंड स्प्लिटिंग, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग. ठीक है, ये तीनों मेथड पढ़ चुके हैं. बट आज जो हम लोग पढ़ने वाले वो टोटली न्यू है, वो है अल्जेब्रिकल फैक्टराइजेशन. मतलब अल्जेब्रिकल फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे? मतलब अल्जेब्रिकल फैक्टराइजेशन बोला जाए तो मतलब कोई एक टर्म में दिया रहेगा, जैसे मान लीजिए 4x प्लस 6y प्लस 9z का होल क्यूब, बोल देगा फैक्टराइज. इस टाइप का क्वेश्चन कोई बोल देगा, ऐसे मान लीजिए 9x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर, इसका फैक्टराइजेशन. इस टाइप का फैक्टराइजेशन को हम लोग किस तरह फैक्टराइज करेंगे, ये सब सीखेंगे. ठीक है, इसको सीखने के लिए सबसे पहले हम आपको कुछ फार्मूला बताते हैं, कि वो फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है वो फार्मूला. ठीक है, वो फार्मूला जब तक आपको नहीं आएगा तब तक आप ये अल्जेब्रिकल फैक्टराइजेशन नहीं कर सकेंगे. ठीक है, तो आपको कुछ फार्मूला नोट करना है, वो फार्मूला नोट कीजिए. ठीक है, चलिए इसको पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बताते हैं. नोट कर लिए? ठीक है, मिटाते हैं इसको. चलिए अल्जेब्रिकल फैक्टराइजेशन पढ़ने से पहले कुछ फार्मूला जान लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला जानते हैं. ठीक है, इंपॉर्टेंट फार्मूला, हेडिंग दे दीजिए इसको, फार्मूला लगा दी लास्ट में. ठीक है, कुछ फार्मूला जान लेते हैं. ठीक है, पहला फार्मूला, ये बेसिक फार्मूला से लेकर के मतलब कुछ अच्छे फार्मूले भी बताएंगे, मतलब वो फार्मूला जो इस फैक्टराइजेशन करने में काम आएगा. ठीक है, पहला फार्मूला, सिंपल सा फार्मूला, सबको पता ही होगा मेरे ख्याल से, जो कॉमन है ए प्लस बी का होल स्क्वायर. इसका फार्मूला क्या होता है? पहले ही बता चुके हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या फिर पहले प्लस 2ab भी लिख दीजिए, प्लस बी स्क्वायर. पता ही है कैसे आया है, आप मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं, आपको आता ही होगा ऐसे, क्योंकि अगर इसको हम कर नहीं जाएंगे तो फिर पहले रियल नंबर का कोई एक लेक्चर में हम करके दिखाए हैं. ठीक है, ये कैसे आता है डिराइव करके बताए हैं, समझ में आ रहा? डिराइव करना भी ईजी है, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी कर दीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा. ठीक है, समझ में आ रहा? बहुत सिंपल सा फार्मूला. दूसरा फार्मूला क्या है? दूसरा फार्मूला ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर. इसका फॉर्मूला क्या है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ठीक है, दो फॉर्मूला हो गया, ये दोनों सिंपल फार्मूला था. एक और फार्मूला क्या है? सारे फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि आपको फैक्टराइजेशन में जब ये फैक्टराइजेशन करना है, ये थोड़ा लेवल हाई हो रहा है, मिडिल टर्म के हैं, फिर इसके बाद ये करेंगे. आप चिंता मत कीजिए, आपको लगता होगा कि ये बहुत सारा कम सवाल है, बहुत कम सवाल कराए हैं, बट ये कम सवाल नहीं है. अभी इसके बाद जो सेकंड शॉट आने वाला है, ये फैक्टराइजेशन का जो वन शॉट वीडियो आएगा, वो तगड़ा होगा, मतलब उसमें सारे क्वेश्चंस कवर होंगे. ठीक है, थर्ड क्या है फॉर्मूला? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी
इंटू ए माइनस बी, ठीक है। कैसे आया ये आप भी कर सकते हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए यही आएगा रूल में, ठीक है। फोर्थ फार्मूला क्या है, फोर्थ फार्मूला, चलिए इसको नोट कीजिए, ये मिटाते हैं, इसके बाद फोर्थ फार्मूला लिखते हैं, ठीक है, लिख लिया, चलिए मिटाते हैं इसको। ये सारे फार्मूला आपको याद होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फोर्थ फार्मूला लिखते हैं, फोर्थ फार्मूला क्या है, फोर्थ फार्मूला हो जाए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बोलेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होगा पता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी, या फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस टू ए बी। ये हम आपको इसके बारे में थोड़ा कुछ बताते हैं, ठीक है, ये कैसे आया हम इसके बारे में बताते हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। ये लाना क्या है, ए प्लस बी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला कैसे हो गया इसका, ये फॉर्मूला इसका कैसे हो गया, देखिए कैसे हो गया, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लाना है ना, तो इसका फॉर्मूला पता है आपको, इसका फॉर्मूला पता है क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी होता है, साथ में लगा दिए माइनस टू ए बी, ठीक है, तो माइनस टू ए प्लस टू ए बी कैंसिल हो गया, बचा क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह माइनस टू ए बी रहेगा, माइनस टू ए बी प्लस टू ए बी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा, बातें समझ में आ रही है ना, चलिए नोट करते जाइए, ठीक है। फॉर्मूला सिर्फ नोट नहीं करना है, आपको याद भी करना है, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या फोर ए बी का फॉर्मूला पता है, फोर ए बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, कितना सिंपल है, ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला लिख लिए, पांच फॉर्मूला हुआ, अभी और छठा फॉर्मूला दिखाते हैं। ये फॉर्मूला आपको याद करना बहुत जरूरी है, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो पढ़े थे, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो गया, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो गया, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर, क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए, ठीक है, समझ में आ रहा, चलिए इसको नोट कीजिए, ये फॉर्मूला नोट कर लिया चलिए नोट कर लिए, उतार लीजिए, हम दूसरा फॉर्मूला बताते हैं। ये आपको कुछ फॉर्मूला आपको याद रखने बहुत ज़रूरी है, ठीक है, तभी आप वो अल्जेब्रिकल फैक्टराइजेशन कर सकिएगा, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला बता, कितना हुआ, छः फॉर्मूला हुआ ना, सातवां फॉर्मूला बताते हैं, सातवां फॉर्मूला क्या होता है, सातवां फॉर्मूला है ए माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, समझ में आ रहा। एक और फॉर्मूला क्या होता है, एक और फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। अभी आपको सिर्फ फॉर्मूला हम बता रहे हैं, ये भी हम प्रूफ नहीं कर रहे हैं, इसमें दो थ्योरम कराएंगे फॉर्मूला में, ठीक है, उसके बाद हम लाएंगे इसमें सवाल बहुत सारे अच्छे अच्छे सवाल लाएंगे, ठीक है, और सवाल लाने के बाद फिर तो तहलका मचेगा। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आप चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको सेम फॉर्मूला मिलेगा, ठीक है, वो हम कराने नहीं जा रहे क्योंकि वो इसका ज़रूरत नहीं है, ठीक है, समझ में आ रहा। ये हो गया, एक और फॉर्मूला दिखाते हैं, ये कितना था, एट नंबर था ना, चलिए नाइन नंबर दिखाते हैं। ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी ए प्लस बी, ठीक है, समझ में आ रहा ना। एक और फॉर्मूला दिखाते हैं, इसको मिटाते हैं,
कितना होता है 9 नंबर तक होता ना, 10 नंबर। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, सॉरी ए क्यूब माइनस बी क्यूब इसका फॉर्मूला बता चुके हैं ना, ए माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला बताते हैं। ए माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। ठीक है, समझ में आ रहा है, इसको नोट कर दीजिए अभी। बस एक और फॉर्मूला बताते हैं, 11 नंबर, ये बताते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला बताते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, उसका फॉर्मूला, इसका पहले एक फॉर्मूला बता चुके, एक फॉर्मूला और बताएंगे। ठीक है, ये क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी। ठीक है, एक और फॉर्मूला है क्या, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका एक और फॉर्मूला, इसका एक और फॉर्मूला क्या है, इसका एक और, देखिए यहाँ से, देखिए यहाँ से है वो फॉर्मूला, आया कहाँ से, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसको इसे रहने दे रहे, इसको इधर ला देंगे। ठीक है, उसमें भी था जो पहले फॉर्मूला कराए थे, सिर्फ वहीं से आया था। ठीक है, समझ में आ रहा ना, क्वेश्चन को गौर करने की कोशिश कीजिए। ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab ए माइनस बी, आप इसको सिर्फ ऑब्जर्व कीजिए, ऑब्जर्व कीजिएगा ना, आप खुद सीखिएगा। ये तो बस फॉर्मूला था, अभी यहाँ पर से कुछ नहीं करा, ये बस हम आपको सिर्फ लिखवाएं फॉर्मूला। ठीक है, ताकि यह फॉर्मूला आपको याद रहे, ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, तब जाके आप वो उसको सवाल लगा सकेगा। ठीक है, ये बस अब सिंपल सिंपल सवाल था, ये सिंपल सिंपल फॉर्मूला था। ठीक है, इसको नोट कीजिए। ठीक है, उसके बाद हम सवाल उवाल करवाएंगे। ठीक है, चलिए चलिए एक नया सवाल देखते हैं। ठीक है, एक नया क्वेश्चन है, ये क्या बोल रहा है, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो। स्टेटमेंट क्या दिया, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, देन प्रूव दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। क्वेश्चन क्या बोला है, गिवन क्या है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो, ये बोल दिया। ये क्या बोला, एक्स वाई जेड कोई भी एक नंबर है, एक्स वाई जेड कोई भी एक नंबर है जिसको जोड़ने पे आंसर क्या मिल रहा है, जीरो। ठीक है, तो प्रूव क्या करना है, टू प्रूव क्या प्रूव करना है, एक्स क्यूब यानी वही नंबर का क्यूब प्लस फिर सेकेंड नंबर का क्यूब वाई क्यूब प्लस तीसरा नंबर का क्यूब जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz, ये प्रूव करना है। ठीक है, इसको प्रूव करना है, प्रूव तो करना है। ठीक है, आपको भी मालूम है प्रूव करना है, आपको भी मालूम है प्रूव करना है, प्रूव करें कैसे, दिमाग कैसे लगाएं, कैसे प्रूव होगा, कैसे प्रूव कर ले, कोई तो ऐसे ही मानेगा नहीं, प्रूव कैसे होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे प्रूव होगा। अभी आपको बहुत सारा फॉर्मूला कराए हैं, बताए हैं कि कौन कौन सा फॉर्मूला है, सब बहुत सारे फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, बहुत सारे फॉर्मूला को बताएं आपको, ए प्लस बी का होल क्यूब, बहुत कुछ बताया। ठीक है, बताया ना, तो देखिए उसका यूज़ करते हैं, उसी फॉर्मूला का यूज़ करके हम प्रूव करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा, तो चलिए पहले गिवन क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो, चलिए मान लिया, इम्प्लाइज का साइन देते हैं, चलिए मान लिया। एक काम करिए, किसी को एक उधर ले जा सकते हैं, लेकिन हम जेड को लेके जाते हैं, आसानी होगा। ठीक है, जेड को ले जाते हैं, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस जेड हो जाएगा, माइनस जेड हो जाएगा ना, क्योंकि जेड इधर में है, प्लस में उधर जाएगा तो माइनस जाएगा। एक काम कीजिए, दोनों के ऊपर क्यूब कर देते हैं, क्या करेंगे, दोनों के ऊपर क्यूब कर लेते हैं, दोनों के ऊपर क्यूब कर लेते हैं, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू माइनस जेड का होल क्यूब, दोनों का क्यूब कर दिया। देखिए जो काम करेंगे दोनों साइड कर सकते हैं, रैशनलाइजेशन में आपको बता चुके हैं, बताएं ना रैशनलाइजेशन में कि जो काम करना है वो दोनों साइड करना है। ठीक है, जो कुछ भी कर रहा है वो दोनों साइड करना है, तो दोनों साइड करना था। चलिए उधर आगे में देखते हैं क्या होता है नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, इसको देखते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला पता ही आपको, पता है ना क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए मान लीजिए एक्स है और बी मान लीजिए वाई है, तो क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एक्स प्लस वाई हो गया, इधर जगह देते हैं, इज इक्वल टू
माइनस जेड का क्यूब का फॉर्मूला, माइनस जेड का क्यूब क्या होगा, माइनस का क्यूब माइनस जेड क्यूब का क्यूब जेड क्यूब। ठीक है, समझ में ये स्टेप समझ में आया ना कैसे लिखे, ये फॉर्मूला में टूटा, नजर आ रहा आपको, एक बार चेक कर लेते हैं, नजर आ रहा, हाँ नजर आ रहा, नजर आ रहा, नजर आ रहा ना, नजर आ रहा, ये स्टेप कैसे था, ये फॉर्मूला में टूटा, किसमें टूटा, फॉर्मूला में, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी ए प्लस बी, ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला था ना, ये लिख दिए ऐसे ही लिख दिए। चलिए ये काम तो हो गया, अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखते हैं क्या बोल रहा, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, सॉल्व करते चलिए। ये क्या हो गया, इसको तोड़ते एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, इधर लेके आते क्या हो गया, प्लस जेड क्यूब, ठीक है, प्लस थ्री एक्स वाई, एक्स स्क्वायर वाई प्लस थ्री वाई, थ्री एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इतना समझ में आ रहा, लेकिन इसको तोड़ने का कोई फायदा ही नहीं है, ये स्टेप आप कर दीजिएगा तो आपको कुछ फायदा ही नहीं होगा। अरे भैया आप इसको इधर लाएं, ठीक है, आप इधर ला दिए, इधर कोई स्टेप कर दिए, आप ये स्टेप कर दिए, आपको क्या कुछ कंक्लूजन समझ में आ रहा, ये चीज़ तो आप ले आए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब तो आप ले आए, ठीक है, ये समान ये चीज़ तो आप ले आए, लेकिन थ्री वाई माइनस थ्री एक्स वाई जेड इधर लाना होगा तब ना उधर जाकर प्लस बनाएगा, इसमें इसको डील करने के लिए ये दोनों मिला करके माइनस थ्री एक्स वाई जेड लाना था, लेकिन यहाँ क्या गया, थ्री एक्स स्क्वायर वाई थ्री एक्स वाई स्क्वायर, अब डील कैसे करें, तो एक काम करते हैं इसको देखते कैसे डील करते हैं, आप क्या गलती करने वाले हैं वो गलती करके भी दिखाते हैं कि आपको क्या गलती कर रहे हैं, मतलब कैसे आपको मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करना है, आप स्पीड में बनाइएगा, अगर आपको ये सब स्टेप पकड़ में आ गया, आपको आता है बनाने, आपको ये स्टेप पकड़ में आ गया, तो आप श्योर है कि आप नेक्स्ट स्टेप में वही गलती कीजिएगा, श्योर वही गलती कीजिएगा। ठीक है, तो वो गलती से बचने के लिए देखिए किस तरह बचता है, किस तरह बचना है, देखिए इसी स्टेप को देखिए, याद रखिए इस स्टेप को देखिए, इसमें यहाँ से आपको कुछ बातें समझ में आएगी, यहाँ से हम क्या बोले थे इस स्टेप में, x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस जेड, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस जेड, इस स्टेप में हम क्या बोले थे, x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस जेड, तो यहाँ पर इस स्टेप में खोजिए एक्स प्लस वाई ये है, क्या इसके जगह पर माइनस जेड लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना भैया, इसके जगह पर माइनस जेड लिख सकते हैं, देखिए कैसे लिख सकते हैं, देखिए देखिए इस स्टेप में, यहाँ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ठीक है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब हो गया, ये हो गया, ये हो गया, बचा प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री एक्स वाई बच गया, ये एक्स प्लस वाई, यहाँ देखिए एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई की जगह पर क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई इज टू माइनस जेड, माइनस जेड लिख दिए, लिख दिए, इज इक्वल टू जेड क्यूब माइनस जेड क्यूब, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस जेड क्यूब, हो गया काम, हो गया, अब देखिए कैसे हो गया काम, देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस इंटू माइनस माइनस थ्री एक्स वाई जेड हो गया इज इक्वल टू माइनस जेड क्यूब, ये बातें समझ में आ गई, बातें समझ में आ गई, समझ में आ रही है ना बातें, क्या हम बोलना चाह रहे हैं, ये स्टेप को देखिए, ये स्टेप को, ठीक है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस थ्री एक्स वाई जेड था, यहाँ माइनस था, तो यह माइनस प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर के माइनस बना दिया, थ्री एक्स वाई जेड हो गया इज इक्वल टू माइनस जेड की वजह से छोड़ दिए। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखिए, नेक्स्ट स्टेप हो गया, इसको इधर लाइए और इसको इधर ले आइए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इसको इधर लाएंगे क्या हो गया, प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाएंगे क्या होगा, थ्री एक्स वाई जेड, क्या हो गया, प्रूफ, क्या हो गया, प्रूफ्ड, क्या हो गया, प्रूफ्ड, प्रूफ हो गया ना, प्रूफ हो गया, थ्री एक्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू थ्री एक्स वाई जेड, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू थ्री एक्स वाई जेड, प्रूफ हो गया, कितना आसान था, सिंपल था, ये एक तरह से देखा जाए तो ये आपका यूज भी होता है कहीं कहीं पर, ये कोई कोई फॉर्मूला में भी यूज होता है। ठीक है, अगर ये कंडीशन ऐसा दिया रहे तो ये ऐसा होता है, ये एक थ्योरम भी है। ठीक है, बहुत सारे बुक में थ्योरम के तौर पर दिखाया जाता है, बस हम इसको एक सवाल के तौर पर लिए। ठीक है, अभी और भी अच्छे अच्छे सवाल आएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे। ठीक है, इस लेक्चर को हम यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि
अभी हम इसमें सिर्फ फार्मूला वाला बताएं, अभी नेक्स्ट लेक्चर में इसका सवाल उवाल करवाएंगे, ठीक है। हो सकता है इसमें एक लेक्चर आएगा, उसके बाद वो जो हम बता चुके हैं कि वन शॉट जो आएगा फैक्टराइजेशन का, उसमें मतलब बहुत लंबा और बहुत सारे बढ़िया बढ़िया सवाल रहेंगे, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।